Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates. स्वागत है आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए। अभी हम आप लोगों को कलीदार सलवार का सिलाई करके दिखाएंगे। ये सलवार का सीधा वाला पीस कटा हुआ है, ये चार वो कली जो है ये कटा हुआ है। सबसे पहले हम इसको कली को जोड़ेंगे। कपड़ा को उल्टा सीधा देखना होगा, ये सीधा तरफ है, कली का भी सीधा तरफ अंदर होगा, ये सीधा ये सीधा। को पहले कली को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लेने के बाद पार्टिस होगा, मियानी लगेगा। सबसे पहले कली जोड़ रहे हैं, कली जोड़ा गया। अब दूसरा साइड, इसी का दूसरा साइड में एक कली जोड़ाएगा। ये ऊपर तरफ है कमर, कमर तरफ से जोड़ रहे हैं। पाका हो गया, जोड़ने का कली। अब दूसरा पा भी उसी तरह ही होगा। अब हम इसको पार्टिस कर लेते हैं। ये दागी दिया हुआ है मोड़ने का, दागी के बराबर करके बकरम पकड़ के इसको मोड़ लेते हैं। मोड़ लेने के बाद इसको पार्टिस कर लेते हैं। पाँव का पार्टिस एक साथ कर लेते हैं।
आर्टिस बहुत तरह का होता है, एक से एक डिजाइन देके, घना सिलाई देके, हल्का डिजाइन, भारी डिजाइन, बहुत किस्म का होता है। सलवार का पार्टिस कितना अच्छा होगा देखने में, उतना ही सुंदर। हटा हटा के सिलाई दीजिए, वो भी घना सिलाई होगा, देखने में अच्छा लगेगा। अब इस पर हल्के से राउंड सिलाई देके थोड़ा इधर हुआ, एक बार इधर, दूसरा पाँव भी उसी तरह ही होगा, सेम। थोड़ा राउंड से लाइट दे देते हैं,
हो गया। अब कमर पट्टी जोड़ेंगे, दोनों पाँव को जोड़ना होगा, मियानी लगाना होगा। डबल सिलाई लग गया। अब इसका भी मुंह को जड़बन ढोकाने का जो मुंह को चीरा करके सिलाई करना होगा। अभी हम कमर का सिलाई जो है वो कर लेते हैं। कमर का सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद में सेकम सिलाई होगा। पाठों इतना मोड़ने का है, ये धागे के बराबर पहले मोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर दो सूत करके इसको मोड़ लेते हैं। इसका बराबर सिलाई होगा कमर में। ऐसे प्रकार की कपड़ा को सरिया लीजिए, कपड़ा को अच्छा से सरिया के तब सिलाई लगाइए। ऊपर वाला कपड़ा को मत टांगिए, ऊपर वाला को कपड़ा को टांगने से वो कपड़ा बढ़ जाएगा, ऐठ जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, कपड़ा टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह आस्ते से इसको पहले सेट कर लीजिए, उसके बाद सिलाई कर लीजिए। प्लेन सलवार का घेरा ज़्यादा होता है, ये 50 इंची एक साइड का घेरा, दूसरा साइड का घेरा 50 इंची नाप का कटा हुआ है, तो पूरा घेरा इनका हो गया 100 इंची। 100 इंची यानी ढाई मीटर का घेरा हो गया, ढाई मीटर से भी ज़्यादा। लगा के खत्म कीजिए। लेफा का मोड़ाई का काम खत्म हो गया। अब सेखम को सिलाई करना होगा। सेखम जो है ये पाठों को मोड़ के नाप के हिसाब से मोड़ने को सेखम बोलता है। ये मोहरी है,
दागी दिया हुआ है। अभी हम दागी के हिसाब से सिलाई कर रहे हैं। बीच मार्जिन रखा हुआ है। मियानी को मियानी के संग में मिलना चाहिए, नहीं तो फिर उधर जाके छोटा बड़ा हो जाएगा। मियानी मियानी मिलना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। इस तरह पकड़ के सिलाई करते जा रहे हैं। अब डबल सिलाई लगेगा। इनका मोहरी का नाप है पेचा का 15 इंच। अब नाप के फाइनल सिलाई होगा 15 इंच का आधा 7.5 इंच पर आपके सिलाई लगाना होगा। का भी नाप को नाप के 7.5 इंच पर सिलाई कंप्लीट हो गया। अब डोरी बना के पहना देना है, बाकी सिलाई कंप्लीट हो गया।